आगे बढ़ेंगे। मराठा आरक्षण बिल पास होने के बावजूद मनोज जरांगे ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। आज उन्होंने मराठा समुदाय की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को मराठा आरक्षण पर मुहर लग गई है। विधानसभा से ये बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस बिल में 10% मराठा आरक्षण की सिफारिश की गई है। इससे मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ओबीसी समाज को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए, अन्य समाज के ऊपर अन्याय नहीं करते हुए ये मराठा रिजर्वेशन देने का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। वहीं मराठा आरक्षण आंदोलनकारी नेता मनोज जरंगे पारित विधायक से खुश नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी मांग मराठों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की है। ये फैसला तो कोर्ट में अटक जाएगा, इसलिए उन लोगों को ओबीसी कोटे से ही रिजर्वेशन मिले। उन्होंने आंदोलन तेज करने की बात कही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने शिंदे सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। ओबीसी में जो है पिछड़े वर्ग जो आरक्षण है पिछड़ों का, उसमें मराठा समाज को मत डालो, क्योंकि कई बार जो है कई आयोग उन्होंने उसको नकारा है। तो बिल्कुल देखिए, मराठा आरक्षण पर विधानसभा में विधेयक तो पारित हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मनोज जरांगे जो कि आंदोलनरत है मराठा आरक्षण को लेकर, वो अभी भी बैकफुट पर जाने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि जो बिल है उसमें और भी संशोधन की जरूरत है।